Welcome to social science class. Today we will discuss the rest of the chapter from chapter number three that is natural resources, vegetation and the wildlife. So, in wildlife, first of all we study about the meaning. Wildlife includes known, underline this, one more question what is wildlife? Wildlife includes known domesticated animals.

दे आर बींग रिजर्व्ड और प्रिजर्व इन द एरिया ऑफ नैशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सचैस बर्ड्स हैं फिश हैं एनिमल्स हैं और जो फॉरेस्ट को ही अपना क्या बना लेते हैं नेचुरल हैबिटेट बना लेते हैं मीन्स अपना घर बना लेते हैं इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वाइल्ड लाइफ वेर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जगह जगह के अकॉर्डिंग मतलब लाइक प्लेस टू प्लेस जो वाइल्ड लाइफ है वो चेंज होती रहती है जैसा एनवायरनमेंट जिस बर्ड को जिस एनिमल को सूट करता है वो अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशनस क्लाइमेट में चेंज होने के अकॉर्डिंग एंड फॉर एग्जांपल इन इंडिया अगर इंडिया की बात करें बहुत रिच है बर्ड्स और एनिमल्स की एग्जांपल आपको दे रखा है द ब्लैक बक काला हिरन पीकॉक लॉयन एंड बंगोल टाइगर आर फाउंड इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर क्वाला बियर क्वाला बियर के लिए फेमस हैं इमू एंड कोकाबूरा सो लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ दीज वन This is this is you know well this is the black buck this is the black buck and this is australia's famous koala bear and this is emu and this is kookaburra this is kingfisher this is king, uh, this is king uh, uh, from the kingfisher family and this one emu is the second largest living bird after ostrich you know ostrich is the largest one and the second largest is emu that is found which is found in australia and koala bear when you talk about the uh, australia na, so koala bear is the main wildlife uh, species that comes around in your mind and next we move to next line so, wildlife is very essential to maintain the ecological balance on the earth surface. This is a very important question. Two or three mark question will come. Wildlife is essential to maintain ecological balance on the earth's surface. Now, how the question will come? What is the importance of wildlife? What is the importance of wildlife? Write it in your book. And first point is.

जो इसकी ब्यूटी है ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या करती है टूरिज़्म जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करती है टूरिज़्म जो है वो बूस्टअप होता है एंड अगर टूरिज़म बूस्टअप हो रहा है देन इट विल क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल नाउ टू पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक दैट इज़ साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर बर्ड बर्ड सेंचुरी विच इज़ इन राजस्थान विच इज़ इन राजस्थान एंड दिस इज़ चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला मुनार केरला में है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेक्स्ट वी मूव टू दिस लाइन एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट दाइम ऑफ एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नैचुरल डिज़ास्टर जो एनिमल्स हैं ना उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है नेचुरली जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं लाइक सुनामी है अर्थक्विक है

डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनीमल्स जो डेड एंड डिकेइंग प्लान्स एंड एनिमल्स होते हैं वो किस लिए हेल्प वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं यू हैव रेड दिस लाइन अर्लियर एंड ह्यूम प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस इज वेरी मच गुड फॉर टू मेटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल ह्यूमस इज़ गुड फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पजेज वर्ल्ड में एनिमल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब दे आर हंटेड एंड दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर कमर्शियल परपज़ बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है लाइक मीट है उनकी जो स्किन है आपको पता है लेदर जो है वो स्किन से ही बनता है एनिमल्स की एंड हॉन्स जो है वो मेडिकेशन में भी काम आता है और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं और दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट ये क्या करता है हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है मैनी बर्ड्स हैव बीम बिकम इंस्टेंसटिंक्ट जो है वो मतलब छिपते जा रहे हैं एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एंड मैनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ़ एक्सटेंशंस और जो आ, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंट होने की कगार पर है वर्ज मीन्स कगार मीन्स बोर्डर एट द बोर्डर टू गेट एक्सटिंक्ट आर फॉरेस्ट आर ट्रेजर्स हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए ट्रेजर्स के रूप में हैं ट्रेजर होता है खजाना ट्रे, ट्रेजर ट्रूव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके लिए एक खजाना है दे हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हार्बर मीन्स टू गिव होम ये जो फॉरेस्ट है उनके लिए घर है एनिमल्स बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज उनके लिए घर है मिलियन स्पीशीज के लिए ये घर है अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो वाले एनिमल्स बर्ड्स कहाँ पे जाएंगे जिनको जो नॉन डोमेस्टिकेटेड है जिन्हें कोई पालता नहीं है दे आर नॉट बेटर आर वाइल्ड लाइफ सफर सीवियरली ड्यू टू डिफॉरस्टेशन इसलिए जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इन नेगेटिव वे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है डिफॉरस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्टेशन जो है फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं एंड अर्बनाइजेशन दैट मीन्स माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और बहुत से जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यू नो वेल दैट डाइनासोर इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस बिकॉज दे हैव लॉस्ड दे हैव लॉस देअर नेचुरल हैबिटेट हैंस देयर इज नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेवन स्टेप्स आर बींग टेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से मार्क दिस पॉइंट के जस्ट बाद लिखो वाई वाई देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्टेप्स आर बींग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ दिस क्वेश्चन विल विल कम सो यू राइट द आंसर लाइक दिस There is a great need for the conservation of wildlife. Several steps are being taken by the government to conserve the wildlife. First one is hunting and poaching of wild animals and birds have been banned. Jo hunting hai, shikar karna ya poaching. In key words, the meaning of poacher is given a person who hunts animals for commercial benefits. Means there is a difference between hunting and poaching. शिकार करना ही होता है दोनों बट फॉर पर्सनल यूज हंटिंग एंड इफ एंड वाइल्ड एनिमल इज़ बी किल्ड फॉर कमर्शियल पर्पज़ अगर बिजनेस पर्पज है तो उसे आप नेम चेंज कर रहे हो पोचिंग दे रहे हो किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस जो वाइल्ड लाइफ है गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल था कि अगर वाइल्ड लाइफ अगर आप uh, किसी को मारते हो तो वो एक क्या है पनिशेबल ऑफेंस है तो आपको पनिश किया जाएगा एंड नेशनल पार्कस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बिंग सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया में वर, जो वर्ल्ड है उसमें बहुत जगह नेशनल पार्कस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है वो बनाई जाए एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें ये डाटा थोड़ा रोंग है करेक्टेड इंडिया में राइट नाउ वन जीरो फोर नेशनल पार्कस हैं एंड फाइव ट्वेंटी एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं है इट इट इज़ फाइव फाइव वन इट इज़ फाइव फाइव वन

विजिटर जो हैं विजिट कर सकते हैं ओनली द पार्क सिर्फ पार्क विजिट कर सकते हैं विजिटर कैन ओनली विजिट द पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या इट इज़ डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरिया एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर कुछ लिमिट तक ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो परमिट की गई हैं हंटिंग ऑफ दिस इज सेकेंड पॉइंट फर्स्ट वन इज डन नाउ सेकेंड इन नेशनल पार्क वी आर डूइंग द डिफरेंस वी आर रीडिंग द बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेंजा साइमिलटेनियसली नो वन हैज अइट आई एम रीडिंग फ्रॉम द नेशनल पार्क स्टेंजा नो वन हैज अ राइट टू यूज एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट किसी को भी राइट नहीं होता जो भी घूमने जाता है कि वो कोई फोरेस्ट का प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सके एंड हंटिंग हेयर इन वाइल्ड लाइफ स्टेंजर हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर बैंड जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैं और कटिंग ऑफ ट्रीज के हैं उन पर बैन लगाया गया है एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम नेशनल पार्क कलेक्शन ऑफ फायरवुड जलाने के लिए जो लकड़ी है टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड नाउ वट यू मीन बाई टिम्बर टिम्बर इज़ अ वुड प्रिपेयर फॉर यूज इन द बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग में यूज की जाती है दैट इज़ टिम्बर और जो जलाने के लिए काम आती है दैट इज़ फायरवुड सो so, वो क्या है वो भी यूज़ करनी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है मना है उसके लिए भी एंड हेयर पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फायरवुड टिम्बर एंड मेडिकनल हर्ब्स जो हैं वो ले सकते हो इन अ मॉडरेट अमाउंट लेकिन ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा इन अ मॉडर्न अमाउंट में ले सकते हो विच कैन बी यूज फॉर रिसर्च लेकिन उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए फॉर रिसर्च एंड द एजुकेशनल परपज होने चाहिए एंड नेक्स्ट इन नेशनल पार्क फोर्थ पॉइंट ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यू एस ए ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यू एस एस ए में एक एरिजोना स्टेट है एरीजोना ए आर आई जेड ओ एन ए ए आर आई जेड ओ एन ए यू एस ए में एरिजोना स्टेट है वहाँ पर कैन ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है जिसको क्या है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को ने डिक्लेयर किया यूनेस्को फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमेशा यूनेस्को ही डिक्लेयर करता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मीनिंग क्या होता है अ नेचुरल और मैन मेड राइट इट डाउन अ नेचुरल और मैन मेड साइट और एरिया रिकोगनाइज एज being outstanding recognized as being outstanding importance and deserve special protection मतलब ऐसा एरिया जिसे क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है और वो इंटरनेशनलली जो है उसकी इंपॉर्टेंस है एंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपने देखा कौन सा है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क यूएसए का लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंडिया की है दैट इज़ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में आसाम में है एरो लगा के लिख लीजिए इन इंडिया इट इज़ इन आसाम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज़ अ टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर रिजर्व है ये टाइगर्स के लिए है स्पेशल नाउ डू यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है नाइनटीन सेवेंटी टू में आया था जो क्या प्रोहिबिट करता है पोचिंग हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड माने बिजनेस ट्रेड मीन्स बिजनेस इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर एंड विद द एम ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स कि टाइगर्स को बजाया बचाया जाए इनिशियली नाइन टाइगर रिजर्व जो थे वो बनाए गए थे विच वॉज एक्सपेंडि एक्सपेंडिट जिनको बढ़ा के थर्टी नाइन टाइगर रिज़र्व कर दिया था इन टू थाउजेंड टेन एंड जिम कॉरबेट यू हैव हर्ड द नेम सो मैनी टाइम्स जिम कॉरबेट नैशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर टाइगर रिज़र्व ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है टाइगर रिज़र्व के लिए बहुत फेमस है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया में दैट वॉज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड लर्न द कीवर्ड्स नाओ बेस बेसिन इज द रीजन जहाँ से रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ड्रेन आउट होती है सिट्रस फ्रूट मीन खट्टा फ्रूट एंड डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू पेट पेट एनिमल्स पोचर अ पर्सन जो हंट करते हैं एनिमल्स को फॉर इट्स कमर्शियल बेनिफिट्स मीन्स बिजनेस बेनिफिट्स ट्रांसपीरेशन यू नो द प्रोसेस वेल नाओ नेक्स पेज विच टर्म इज़ यूज फॉर द प्लांट एंड द कम्युनिटी कौन सा प्लांट यूज़ किया जाए लाइक यूज फॉर द प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोज विदाउट ह्यूमन that is plantation plantation term used ki jati hai, and which vegetation grows in hot and humid that is tropical evergreen forest the most common trees of tropical deciduous forest is sal and teak Trees of Mediterranean forest have spiny and waxy leaves. The area under the forest is depleting due to human interference. And filling the blanks, the assemblage, you know, well, natural vegetation. In second, uh, temperature, rainfall, we have read out. There are two important uh, factors. Third one is fertility of the soil. Fourth one is transpiration. Fifth is deciduous forest. And next is, first one is evergreen. Second, Mediterranean and third is temperate softwood, and the fourth one is afforestation, and the fifth one is mountain forest. And please uh, read out this Chipku movement that was uh, based on Gandhian philosophy. This is very important. You should read this stanza. And map skills. Uh, on the outline map of the world, mark and name the following. First is Yellowstone National Park in USA. USA ke Wyoming state ye. And Yellowstone National Park. So, you know this is USA. This is USA, in North America. This is world map. And this is USA. And here it is. And mark exact location which I have marked in this map. एग्जैक्ट लोकेशन अदरवाइज द आंसर विल भी रोंक योर मार्क्स विल भी डिडक्टेड येल्लो स्टोन नेशनल पार्क यू एस ए नैक्स्ट इज बंधवगढ़ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश में यू नो द लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकोगनाइज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया दिस इज़ इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट दिस इज़ इंडिया एंड इन द मिडल ऑफ दिस मध्य प्रदेश

एंड लाइक दिस काजीरंगा नेशनल पार्क असाम इंडिया नेक्स्ट इज एक्स नेशनल पार्क ऑफ फ्रांस ये कहाँ पर असमान में है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द लोकेशन ऑफ फ्रांस ये आपको पता है क्या है दिस इज अफ्रीका है ना कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ पे यहाँ दैन दिस इज फ्रांस एंड फ्रांस के बिल्कुल साउथ में क्या है इस कर्व के ऊपर Akrins, Park, France, and इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे प्लॉट करना नेक्स्ट इज एंड पेंसिल ओनली डोंट यूज पेन आई हैल पार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज इन दाविन यू नो दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे जो बाउंड्री आपको दिख रही है ब्लैक वहाँ पे डार्विन है डार्विन स्टेट में चार्ल्स डार्विन नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया में सो होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट थैंक यू